और गौतम जिसको अहल्या ब्याही थी, जो ब्रह्मा की पुत्री थी, गौतम के भी संतान नहीं थी, सिर्फ ये अंजना थी, ये भी गंगा में बहती हुई मिली थी, उसको बेटी करके पाला था, इसलिए गौतम अपनी बेटी अंजना को भी श्राप दिया था। ये राधेश्याम रामायण में प्रकरण है। वैसे बहुत ही बहुत बढ़िया, जब दोनों बालक बड़े होते हैं, उधर अवध में भगवान श्री रामचंद्र यज्ञ करवाते हैं, यज्ञ की रक्षा में अपने भाई शत्रुघ्न को भेजा। चलते समय भगवान ने कहा था कि लोणासुर जो राक्षस है उसे शंकर भगवान का वरदान है, इसलिए जब तक शंकर भगवान की त्रिशूल का प्रहार नहीं करोगे तब तक उसकी मृत्यु नहीं होगी। देश देश के राजा और लोणासुर का वध करके चलता चलता घोड़ा जब वाल्मीकि के आश्रम के पास पहुंचता है और घोड़ा के मस्तक पर पत्रिका लिखी हुई थी कि अवधपुरी के राजा राम यज्ञ करवा रहे हैं और यज्ञ का निमंत्रण देने के लिए घोड़ा आ रहा है, जिसको अधीनता स्वीकार करके घोड़ा का सम्मान करे और जो अधीनता स्वीकार नहीं करे तो घोड़ा पकड़े, उसके साथ मेरे सैनिक युद्ध करेंगे। उस पत्रिका को देख करके लौर कुश तुरंत उस घोड़ा को पकड़ते हैं और पेट के बांधते हैं, तो कैसे बांध रहे थे और किस प्रकार से दोनों भाई मनी मन में बातें कर रहे थे। Oh,
बेचने कसाई जाओ ये